हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक ऐसी मूवी जिसमें एक दिन नॉन लिविंग थिंग्स में जान आ जाती है और उसके बाद क्या तबाही होती है उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा 1986 में आई साईफाई हॉरर मूवी मैक्सिमम ओवरड्राइव को। आईएमडीबी पे से मिले हैं 5.4 आउट ऑफ 10 स्टार्स और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 24%। सड़े हुए टमाटर पर यह है 15% फ्रेश विद 50% ऑडियंस स्कोर, जिसका मतलब सड़े हुए क्रिटिक्स को ये मूवी उतनी पसंद नहीं आई जितनी ऑडियंस को। बट एनीवेज, और अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी शुरू होती है हमें ये बताते हुए कि एक रिया एम नाम का कॉमेट धरती के पास से गुजरने वाला है, जिससे धरती पर सारी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में जान आ जाएगी, जिस वजह से सारे शहर में हल्ला मच जाएगा। इसके बाद हम एक आदमी को एटीएम मशीन से पैसे निकालते हुए देखते हैं, जिसपे वो मशीन उसे पैसे तो नहीं देती लेकिन उसके स्क्रीन पर कुछ टाइप होता है जिससे इस आदमी की वहाँ इंसल्ट हो जाती है। फिर हम रास्ते पे गाड़ियों को देखते हैं जो अपने आप ही चल के एक दूसरे से टकरा रही थी, जिस वजह से अंदर बैठे लोग घायल हो जाते हैं। फिर सीन डिक्सी ट्रक स्टॉप पर शिफ्ट होती है, जहां हम डंकन केलर नाम के एम्प्लॉय को देखते हैं जो एक कस्टमर के ट्रक में फ्यूल भरने जाता है, पर तभी फ्यूल डिस्पेंसर अचानक काम नहीं करता। तो जब वो उसे चेक करता है, वो डिस्पेंसर उसके आंखों में किसी तरह का गैस स्प्रे करता है जिससे उसको बहुत तकलीफ होती है। अगले सीन में हम वेट्रेस वांडा जून को देखते हैं जो किचन में काम कर रही थी, एंड तभी उधर पड़ी एक इलेक्ट्रिक नाइफ अपने आप इस पर हमला करती है और इसके चिल्लाने की आवाज सुनकर उधर बिल रॉबिन्सन नामक बंदा आकर एक हथौड़े से उस इलेक्ट्रिक नाइफ के टुकड़े कर देता है। फिर सीन एक ट्रक स्टॉप पर शिफ्ट होती है, जहां हम देखते हैं कि एक मशीन से अपने आप कॉइन्स गिर रहे थे, तो एक लालची कस्टमर सारे कॉइन्स उठा लेता है लेकिन एक ही पल में उसे मशीन से 440 वोल्ट वाला जोर का इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। फिर सीन एक लीग गेम पर शिफ्ट होती है, जहां कोच वेंडिंग मशीन से जूस लेने गया था। पहले तो मशीन इसको कोई जूस नहीं देती लेकिन 3-2-1 बोलकर सारे जूस कैन से सीधा इस पर अटैक करती है, जिससे कोच को चोट लगती है और साथ में वो मशीन बच्चों को भी नहीं छोड़ती, जिससे वो भी घायल होते हैं। लेकिन एक लड़का डीक केलर उधर से बचकर अपनी बाईसाइकिल लेकर निकल जाता है, जो डंकन केलर का बेटा था। इसके बाद हम एक ब्रेट नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि एक बुढ़े आदमी लॉरमैन के साथ कार में जा रही थी। उन्हें रेडियो ब्रॉडकास्ट से वॉर्न किया जाता है कि वो और आगे न बढ़े, लेकिन लॉरमैन उस पर ध्यान नहीं देता, जिस वजह से ब्रेट स्टेयरिंग व्हील घुमाती है और कार को उस ट्रक स्टॉप पर रुकाती है। और ये सब हरकतें देखकर लॉरमैन को गुस्सा आ जाता है और वो बाहर निकलकर ब्रेट से झगड़ा करने लगता है। तभी उधर एक ट्रक अपने आप चालू होकर लॉरमैन को सीधा उड़ाने ही वाली होती है कि ब्रेट उसे खींचकर बचा लेती है। ट्रक स्टॉप पर खड़े लोग सब हैंडी को देखते हैं, जो कि उस ट्रक का ड्राइवर था। वो कहता है कि ट्रक की चाबियां तो मेरे पास है और मुझे नहीं पता कि अंदर कौन है। फिर स्क्रीन शिफ्ट होती है अगले सीन पर, जहां हम न्यूली वेड कपल कर्ट और कोनी को देखते हैं, जो कि गैस स्टेशन आए थे। वहां कर्ट एक खून से भरी डेड बॉडी देखता है, जिससे वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तभी उसकी नजर ग्लास डोर से अंदर जाती है, जहां घड़ी का कांटा कुछ ज्यादा ही तेजी से चल रहा था। तभी पीछे से एक ट्रक आके कर्ट को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो वहां से हट जाता है और ये ट्रक बिल्डिंग से क्रैश होकर वहीं अटक जाती है। और बचने की खुशी में वो अपनी वाइफ को गले लगाता है, लेकिन तभी उस ट्रक का इंजन फिर से चालू होता है एंड कर्ट और कोनी अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ बिल नाम का एक बंदा यहाँ हो रहे हादसे देखकर सोच में पड़ जाता है। तभी पीछे से ब्रेट आके उसके कांधे पर हाथ रखती है, जिस वजह से वो डर जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ब्रेट की जगह कोई नॉन लिविंग थिंग है। फिर हम डीक केलर को देखते हैं, जो रास्ते में कई इंसान और जानवर की डेड बॉडीज देखता है, एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट से पता चलता है कि ये सब सारी दुनिया में चल रहा है और सारी मशीन्स किसी अननोन एजेंसी के डायरेक्शन के अंदर चल रही है। और सारे लोगों को सूचित किया जाता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का इस्तेमाल न करे। तभी डीक एक बस को देखकर झाड़ियों के पीछे छिप जाता है, क्योंकि उस बस में कोई ड्राइवर ही नहीं था और वो अपने आप चल रही थी। और जब वो बाहर निकलता है तो एक लॉन मोअर उसका पीछा करती है, जिस वजह से वो अपनी बाईसाइकिल लेकर वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम डंकन केलर को देखते हैं, जिसे होश आ गया था, जो अपने बेटे डीक के लिए परेशान था। ऊपर से अपनी आंखों में गैस स्प्रे होने के कारण वो अंधा हो गया था, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन तभी एक ट्रक आकर उसे उड़ा देती है और वो वहीं मर जाता है। लॉरमैन देखता है कि उसकी कार को एक ट्रक ने क्रैश कर दिया था, जिस वजह से वो पागल गुस्से में बाहर निकलता है, एंड इससे पहले वो कुछ करे एक ट्रक आकर उसे खाई में धक्का दे देती है। फिर हम देखते हैं कि सारे ट्रक्स ट्रक स्टॉप के चक्कर लगाने लगते हैं, ताकि कोई भी अंदर से बाहर न जा सके। कोनी और कट अब भी बाहर ही थे, वो सेफ्टी के लिए ट्रक स्टॉप जाने का सोचते हैं। तभी रास्ते में एक ट्रक उनका पीछा करती है, लेकिन वो ऐसे तैसे उससे बच जाते हैं। वो ट्रक स्टॉप तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वहीं बाहर एक ट्रक आकर सीधा उनके कार को पीछे से ठोक देती है, जिससे उनकी कार पलटी हो जाती है। ये सब देखकर बिल और ब्रेट उन्हें बचाने के लिए आते हैं। तभी हेंडरशॉट, जो कि उस ट्रक स्टॉप का ओनर था, वो मिसाइल लॉन्चर लेकर दो ट्रक को उड़ा देता है। इसके बाद वो सब अंदर जाते हैं, जहां हेंडरशॉट बिल को ब्रेट के सामने पास्ट में किए क्राइम्स को लेकर उसकी बेइज्जती करता है। हेंडरशॉट के जाने बाद बिल ब्रेट को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेट को कोई सफाई नहीं चाहिए थी और वो उल्टा बिल को शांत कराने की कोशिश करती है। फिर हम डीक को देखते हैं, जो ट्रक स्टॉप के बाहर से उधर के हालात देखकर कुछ देर वहीं बैठ जाता है।
रात होती है एंड बिल और ब्रेट आसमान में ग्रीन लाइट देखते हैं जो ब्रेट को किसी कॉमेट की लाइट लग रही थी एंड वो बिल्कुल सही थी। बिल कहता है कि वो एक हेवन नाम के आइलैंड के बारे में जानता है जहाँ कोई मोटर व्हीकल नहीं है एंड वो लोग वहाँ सेफ रह सकते हैं। इधर वांडा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है तो वो बाहर जाकर ट्रक्स पर अपना गुस्सा निकालना शुरू करती है। तभी एक ट्रक उसे ऊपर पहुंचाने के लिए आती है पर उससे पहले बिल आकर उसे अंदर ले जाता है। दूसरी तरफ लॉरमैन अभी तक वहीं खाई में फंसा हुआ था जहां ट्रक ने उसे धक्का दिया था और वो पूरा कीचड़ में लिपटा हुआ था। तो कर्ट और बिल एक टनल से होते हुए उसे बचाने जाते हैं जहाँ डीक भी पहले से ही मौजूद था। डीक लॉरमैन को जगाने की कोशिश करता है लेकिन वो जरा सा भी नहीं हिलता, जिस पर वो ये भी गया बोल के निकलने लगता है कि तभी लॉरमैन डीक का पैर पकड़ लेता है। नहीं नहीं, ये भूत नहीं था, लॉरमैन अभी भी जिंदा था और मदद के लिए रिक्वेस्ट करने की बजाय ये पागल उसको धमकी देता है कि मुझे यहाँ से निकाल वरना मैं तेरे को कचरा सेट के पास बेच दूंगा, 150 रुपया देगा। तभी उधर कर्ट और बिल आकर डीक को छुड़ा कर ले जाते हैं। जब डीक अपने पापा के बारे में पूछता है तो बिल उसे कुछ नहीं बताता। अंदर सब कर्ट और बिल को लेकर परेशान थे, खासकर कोनी कर्ट के लिए, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो किसी सस्ती ट्रक के नीचे आकर मर गए होंगे। पर तभी कर्ट, बिल और डीक वहां आते हैं एंड वो अंदर जा पाए उससे पहले एक ट्रक उनके पीछे आती है तो बिल मिसाइल लॉन्चर से उस ट्रक को उड़ा देता है। अंदर जाने बाद डीक फिर अपने पापा के बारे में पूछता है, जिस पर हेंडरशॉट कहता है कि एक ट्रक ने तुम्हारे पापा का पापड़ बना दिया और वो चल बसे। ये सुनकर डीक बहुत रोता है एंड ब्रेट हेंडरशॉट को एक जोर का थप्पड़ लगाती है क्योंकि जिस तरीके से उसने ये खबर सुनाई थी वो इसी के लायक था। अगली सुबह एक कैटरपिलर बुलडोजर और मिलिट्री मूल को आता देखकर डीक बिल को जगाता है। वो बुलडोजर एक कार को सीधा उस रेस्टोरेंट के अंदर घुसेड़ देता है तो हेंडरशॉट मिसाइल लॉन्चर से उस बुलडोजर पर हमला करता है लेकिन फिर वो म्यूल मशीन गन से शूटिंग करना शुरू करता है जिस वजह से कुछ लोग मारे जाते हैं जिसमें हेंडरशॉट भी मर जाता है। तो गुस्से में बाहर वांडा मिसाइल लॉन्चर के साथ जाती है जहां वो पहले अपना गुस्सा निकालती है और म्यूल उस पर भी बेरहमी से गोलियां चला देता है जिससे बेचारी मारी जाती है। लेकिन बहादुर वांडा मरने से पहले अपनी मिसाइल से एक ट्रक का काम तमाम करके जाती है। फिर म्यूल अपने हॉर्न के जरिए बात करने की कोशिश करता है जिसे डी समझ पा रहा था। म्यूल कहता है कि उन्हें बस रिफ्यूल कर दो तो वो इंसान को परेशान नहीं करेंगे लेकिन अगर रिफ्यूल नहीं किया तो परेशान करना तो एक तरफ, वो उनकी वाट लगा के रख देंगे। जिस पर जोई कहता है, पर लाइट नहीं है भैया तो गैस कहाँ से भरेंगे। और जैसे ही जोई ये बोलता है तभी वहां पर लाइट आ जाती है और बिल उस ग्रीन गॉब्लिन वाली ट्रक को उसके भाई बंधुओं को बुलाने बोलता है एंड सारे ट्रक्स लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं और बिल सबकी टंकियां फुल कर देता है। और इतना काम करने बाद बेचारे को दिन में तारे दिख जाते हैं तो ब्रेट उसे अंदर ले जाती है जहां बिल कहता है कि ये पक्का एलियंस का ही झमेला है जिसमें वो हमको मार के दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए वो मशीन्स को यूज कर रहे हैं ताकि वो अपना मकसद पूरा कर सके। फिर कुछ देर बाद बिल ग्रेनेड से मिलिट्री म्यूल को उड़ा देता है। फिर वो सब एक नाले की मदद से ट्रक स्टॉप से निकलते हैं जहां ठीक उनके निकलने बाद ट्रक्स उस पूरी बिल्डिंग को तबाह कर देते हैं। इसका मतलब मशीनों ने झूठ कहा था कि वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब सब सर्वाइवर्स के पास अपनी अपनी गन थी जिसे लेकर वो नाव में बैठ के सेफ जगह जाने वाले थे। तभी उन्हें रास्ते में एक ट्रक मिलती है जिसे वो बराबर शूट करके क्रैश कर देते हैं। फिर हम ब्रैड को देखते हैं जो मरीना के पास था। वो पागल इंसान एक कार में मरी हुई औरत के पास उसके उंगली की रिंग लेने जाता है। वो खुशी से रिंग तो ले लेता है लेकिन पीछे से वो ग्रीन गॉब्लिन वाली ट्रक आके उसे सीधा नरक में पहुंचा देती है और तभी बिल मिसाइल लॉन्चर से उस ट्रक को उड़ाकर उसे ट्रक्स के नरक में पहुंचा देता है और वो सब नाव में बैठकर निकल जाते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि 2 दिन बाद एक UFO जिसमें लेजर कैनन और न्यूक्लियर मिसाइल थे वो एक रशियन वेदर सैटेलाइट के वजह से स्पेस में डिस्ट्रॉय हो गए और 6 दिन बाद अर्थ का उस कॉमेट से पीछा छूटा जैसा कि कहा गया था। एंड इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब मूवी की स्टोरी सिंपल है कि एक रेया एम नाम का कॉमेट धरती के पास से गुजरता है और उस कॉमेट में ऐसे अजीबोगरीब ताकत थी जिस वजह से नॉन लिविंग थिंग्स में जान आ गई, जिस वजह से मशीनों ने हर जगह तबाही मचा दी। पर बिल का मानना था कि ये एलियंस का काम है जो इंसानों को मशीनों के जरिए मार के अर्थ पर राज करना चाहते थे। पर जब स्पेस में रशियन वेदर सैटेलाइट के वजह से उस UFO की धज्जियां उड़ी तो उस कॉमेट का असर भी खत्म हो गया जिससे फिर से सब पहले जैसा हो गया। एंड इसी के साथ ये था मेरा मैक्सिमम ओवरड्राइव का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थ्योरीज एंड डिटेल्स। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ एंड अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो। एंड ये क्यों करना है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आपको जानना है कि मेरे आने वाली वीडियोस किस मूवी पर होने वाली है या आपको मीम्स देखना पसंद है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। एंड अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज की लिंक्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।